फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लिस वर्ल्ड। दिस इज़ अपर्णा। सबसे पहले जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये चीज़ है कि आज मैंने स्पेशल मेडिटेशन किया है। जो भी ये वीडियो देख रहा है उनकी तरफ मैं स्पेशल प्रेयर्स सेंड कर रही हूँ। आपको आपकी लाइफ में हीलिंग आ जाए, आपकी लाइफ में बैलेंस आ जाए, आप जिस भी दर्द से गुजर रहे हैं उन सारे दर्दों का सॉल्यूशन आपके सामने आ जाए, हील आप कर जाए। ये सारे प्रेयर्स मैं आपकी तरफ आज सेंड कर रही हूँ। अगर आप इस प्रेयर से कनेक्टेड फील कर रहे हैं, अगर आप ऐसे चाहते हैं कि मैं ये प्रेयर्स आपके लिए करती रहूँ, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। कहिए यू आर कनेक्टेड विद द प्रेयर, या फिर कहिए थैंक्स फॉर द प्रेयर, तो मुझे पता चल जाएगा कि आपको पसंद आ रहा है ये सारे प्रेयर्स। जस्ट एक्सेप्ट ऑल द प्रेयर्स विद ओपन आर्म्स। ओके गाइज, आज का वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या वो रियलाइज़ करेंगे उनकी गलती। हमारे लाइफ में गाइज कई ऐसे लोग होते हैं जो हमें हर्ट कर जाते हैं, जो हमारे लिए दर्द बन जाते हैं, हमें दर्द दे जाते हैं, और हम कई बार ऐसा चाहते हैं कि जो हमारे साथ उन्होंने किया है उनको उस चीज़ का एहसास हो, उनको भी वैसे ही फील हो। अभी आज मैं वैसे ही फील होगा या नहीं ये मैं नहीं पूछ रही हूँ, क्या उनको समझ में आएगा कि उन्होंने गलती की है, क्या उन्हें एहसास होगा उनकी गलती का, क्या उन्हें एक्चुअली सफरिंग्स फील होंगी उन गलतियों से रिलेटेड, ये सवाल पूछ रहे हैं आज हम। ये सवाल जो है ये लवर्स के लिए भी हो सकता है, आपके अगर दुश्मन है कोई उनके लिए भी हो सकता है, अगर राह चलते पे किसी के बारे में आप पूछना चाहते हैं कि उन्होंने आपको ठेस पहुंचाई हो, तो उस इंसान के बारे में भी आप ये सवाल स्पेसिफिक पूछ सकते हैं। अगर आपके दिमाग में ऐसे दो तीन लोग हैं तो एक एक पाइल जो है, एक एक ब्रेसलेट जो है वो उस पर्सन को असाइन कीजिए और फिर वीडियो देखिए। ओके, चार पाइल्स रखी है, चार मैंने आज ब्रेसलेट्स रखे हैं आपके सामने, वेरी स्ट्रॉन्ग पावर एंड रियल क्रिस्टल्स ब्रेसलेट्स हैं। फर्स्ट है टाइगर्स आई, सेकेंड है सोडा लाइट, हाउ लाइट एंड हेमाटाइट। चार रखे हैं मैंने ब्रेसलेट्स आपके सामने। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं आपके, जिस इंसान के लिए आपने जो पाइल असाइन की है उस तरह से आप वीडियो फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। जानेंगे आज हम कि क्या उन्हें उनकी गलती का एहसास होगा, क्या वो रियलाइज़ करेंगे उनकी गलती, और जब वो रियलाइज़ कर रहे हैं तो एंजल की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है कि आप क्या करें उस वक्त में, और आपको क्या करना चाहिए उस वक्त में। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पाइल। अगर आपको पसंद आए ये वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा कैसा लगा। अगर इन पाइल्स के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो यू कैन ऑलवेज़ गेट अ पर्सनल रीडिंग। पर्सनल रीडिंग के भी सारे डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखे हैं। आज इस वीडियो में मैं मेरा फ़ोन नंबर मेंशन कर रही हूँ, बट गाइज आई वॉन्ट टू टेल यू, आई डोंट वॉन्ट टू साउंड रूड, मुझे रूड बिल्कुल भी आप ऐसे रूडली नहीं बोलना है, पर जो रीडिंग पर्सनल लेना चाहते हैं सिर्फ वही मैसेज करें। मैंने प्राइजेस भी मेंशन कर रखी हैं, सो प्राइजेस देख के ही मैसेज करें। एंड ऑल्सो गाइज ऐसे फालतू मैसेज ना करें, डू यू वॉन्ट टू डू फ्रेंडशिप एंड ऑल, लड़कियों को पता होगा क्या होता है ये सब, तो ऐसी चीज़ें प्लीज़ ना करें, आपको सीधे सीधे रिपोर्ट कर दिया जाएगा, ब्लॉक कर दिया जाएगा। जो भी पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे मैसेज करना चाहते हैं वो फर्स्ट थिंग हाय के बाद मुझे पर्सनल रीडिंग चाहिए, आई वॉन्ट पर्सनल रीडिंग, ये बताइए, तभी मैं आपसे बात कर पाऊँगी, तभी मैं आपको रिवर्ट कर पाऊँगी। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो टुडे, लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। फर्स्ट पाइल से स्टार्ट करते हैं, टाइगर्स आए। फर्स्ट पाइल टाइगर्स आए जिन्होंने चूज़ किया था ब्रेसलेट, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। जिनके भी बारे में आपने ये सवाल पूछा है, देखते हैं कि वो उनकी गलती रियलाइज करेंगे या नहीं। फोर ऑफ सोड्स, एस ऑफ सोड्स, हैंगमैन, एट ऑफ पेंटेकल्स, फूल, डेथ एंड रिकवरी। थोड़ा सा यहाँ पे ले लेती हूँ मैं ताकि आपको कार्ड्स दिखाई दे अच्छे से। ओके, ये इंसान जो मुझे जिसके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जानबूझ के ये गलती की हो, या फिर उनको अभी तक हो सकता है कि रियलाइजेशन नहीं है इस चीज़ का।
ओके उनके हो सकता है जो आपके लिए गलती हो उनके हिसाब से, हो सकता है उस चीज़ का उनको फ़ायदा हुआ हो कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरह से, जो गलत भी हो सकता है फ़ायदा उठाना किसी चीज़ का, या फिर सही भी हो सकता है. डिपेंड्स अगेन आपका जो आपके जो पार्टनर ने आपके साथ किया है, पार्टनर यानी कि जिसके बारे में आप ये सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने आपके साथ जो किया है उस पर डिपेंड करता है. कई बार गाइज ऐसा होता है जो हमारे लिए बुरा होता है ना, वो किसी और के लिए अच्छा हो सकता है. तो सही गलत में नहीं तोल रही हूँ मैं आज ये स्पेशली ये पाइल, बट जो भी किया है उन्होंने गलत, आपको हर्ट ज़रूर हुआ है, आपको ज़रूर, आपके लिए ये ज़रूर गलत है, एंड आप उसकी वजह से काफ़ी अपसेट भी हुए होंगे, आपको बहुत परेशानी भी उठानी पड़ी होगी उस चीज़ की वजह से, इस गलती की उनकी वजह से. उनको डेफिनेटली मुझे रियलाइज़ होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि आई सी कि वो थोड़ा सा अनस्टेबल फील करेंगे, थोड़ा सा यू नो रेस्टेड फील करेंगे, यू नो कहीं ना कहीं लाइफ रुक गई है, कहीं ना कहीं कुछ ख़राब है, डिसकम्फर्ट है उनको दिखाई देता है, कि मन मार के अपना कुछ सैक्रिफाइसेस करनी पड़े आगे, और उस वक्त उनको रियलाइज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. उनको रियलाइज़ तब होगा जब वो एक्चुअली लाइफ में उनकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड. अगर आप टैरो रीडिंग्स के वीडियोज़ वगैरह देखते हैं, आपको ये जो वर्ड है स्पिरिचुअल जर्नी, ये काफ़ी फैमिलियर होगा. स्पिरिचुअल जर्नी वो होती है जिसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं, और हमारा सोल जो होता है उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है. तो ऐसी जर्नी उनकी दिखाई दे रही है मुझे, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं. तो गलतियाँ भी करना, हर एक इंसान गलती करता है, और सज़ा उसकी उनके कर्मों के हिसाब से उन्हें भुगतनी ही पड़ती है. ये रियलाइज़ तभी करेंगे जब ये उनकी जर्नी में चले जाएंगे, उनका जर्नी जब स्टार्ट होगा तब उनको रियलाइज़ होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगेन उस वक्त उनको काफ़ी सारी ऐसे सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी जो उनको नहीं करनी है. और बेसिकली ये इंसान मुझे सैक्रिफाइस करने वाला इंसान नहीं नज़र आता. ऐसा इंसान ये नहीं है जो दूसरों के लिए कुछ सैक्रिफाइस करे, दूसरों के लिए एडजस्टमेंट करे, पर उनको करनी पड़ेगी एट अ पॉइंट ऑफ देयर लाइफ, एंड फिर उनको समझ में आएगा कि आप कैसा फील कर रहे थे जब आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ी थी. जो आपके साथ उन्होंने किया है वो गलती उनके साथ कोई और करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है. अभी कौन है ये इंसान ये मुझे क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है, वो पर्सनल रीडिंग में डेफिनेटली पता चल सकता है. अगर कोई थर्ड पार्टी वगैरह है आपकी रिलेशनशिप में तो हो सकता है कि वो हो, पर मुझे दिखाई देता है कि ये इंसान ना टॉप टू बॉटम चेंज होने वाला है. ये स्पिरिचुअल जर्नी जो जिसके ऊपर वो जा रहे हैं अभी, जिसके जिसको वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिस स्पिरिचुअल जर्नी को अपने जो स्टार्ट कर रहे हैं, गॉड के साथ, यूनिवर्स के साथ एक अलाइनमेंट अपनी बना रहे हैं, अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने सारे चक्रास बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. तो टॉप टू बॉटम ये इंसान मुझे बदलता हुआ नज़र आ रहा है. इनकी जो बैड क्वालिटीज़ है वो सारी एक एक करके ट्रांसफॉर्म होके, चेंज होके एक बेटर इंसान बनता हुआ ये इंसान मुझे दिखाई दे रहा है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग. कि उस जर्नी में, उस रास्ते पे, उस अच्छाई के रास्ते पे, उस बदलाव के रास्ते पे उनको ये रियलाइज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है. आप ही नहीं, आपके साथ साथ इन्होंने जिन भी लोगों को हर्ट किया है, जिन भी लोगों को दुख पहुंचाया है, जिनसे भी गलतियां की हैं जिनके साथ, वो सारी मुझे इस इंसान को रियलाइज़ होती हुई दिखाई दे रही है, इस इंसान को पता चलती हुई दिखाई दे रही है. और फिर ये हर एक के साथ ना, हर एक को सॉरी बोलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, आपको भी ये सॉरी बोलते हुए नज़र आ रहे हैं, पर इनको ना आसानी से ये सॉरी मिलने नहीं वाला है. आपसे भी और जिनसे भी और उन्होंने गलतियाँ ये की हो उनसे भी मुझे ये आसानी से उनको सॉरी मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा. इनको मेहनत करनी पड़ेगी, यू नो इतना आसान नहीं है ये रास्ता, इनका जो अच्छाई की तरफ बढ़ता हुआ जो रास्ता है. लोग इनको एक्चुअली बिलीव नहीं करेंगे कि बदल गए हैं ये. कई बार ऐसा होता है गाइस कि स्पिरिचुअल जर्नी में यही होता है. काफ़ी लोग, मेरी भी जब स्पिरिचुअल जर्नी चालू थी तो काफ़ी लोग, अरे यार तू बदल गई, तू ऐसी नहीं थी. तो यही है स्पिरिचुअल जर्नी, एक्चुअली यही है कि लोग ट्रस्ट नहीं कर पाते आसानी से, क्योंकि 10 दिन पहले आप कुछ अलग थे और 10 दिन बाद आप कुछ अलग ही बन गए हो. तो ये जो स्पिरिचुअल जर्नी है, मैं 10 दिन सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोल रही हूँ, 10 दिन में जर्नी नहीं होती है, आई होप यू अंडरस्टैंड. पर ये चेंजेस जब भी आते हैं ना, तो लोग अपने आसपास के बदल जाते हैं, अपने आसपास का जो माहौल होता है वो बदल जाता है.
काफ़ी अपने लिए जो अच्छे जो लोग हैं वो हमें सामने से उस जर्नी में भी हमारे साथ टिके रहते हैं, और जो नहीं हैं हमारे लिए अच्छे वो एक एक करके निकल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, तो आसान नहीं है वो रास्ता उनके लिए। और आपसे भी माफ़ी मांगने के लिए जब वो रियलाइज़ करेंगे अपनी गलती, तो माफ़ी मांगने जब आपके पास आएंगे तो दिखाई नहीं देता कि आप आसानी से उनको माफ़ करेंगे। बट आई वुड सजेस्ट कि माफ़ कर दीजिए, क्योंकि ये इंसान जो है वो मेहनत कर रहा होगा उस वक्त। अभी ये थोड़ा टाइम लगेगा इनकी जर्नी स्टार्ट होने के लिए, उनको रियलाइज़ होने के लिए चीज़ें, पर जब वो स्टार्ट करेंगे रियलाइज़ करना, तो उनके लिए उस वक्त जो वो लाइफ का जो टाइम है उनके, वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। वो स्पिरिचुअल जर्नी का वक्त उनको काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होंगे वो कई सारे, तो रिकवर कर रहे होंगे वो अपने आप को, रिकवरी के मार्ग पर होंगे, रिकवरी के रास्ते पर होंगे। सो उस वक्त में आप उनके लिए, बिकॉज़ यू आर अ हील्ड सोल, आपको पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, स्पिरिचुअल जर्नी क्या होती है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी कर दिया, तो आपको कहीं ना कहीं पता है इन सारी चीज़ों के बारे में, मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यूनिवर्स कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिकॉज़ यू हैव अ नॉलेज ऑफ दैट, आपको पता है सारी चीज़ें। तो उनके लिए आप एक टफ़ टाइम बन के मत रहिए, आप उनको माफ़ कर दीजिए। देखिए, अगर आप ये पार्टनर के बारे में पूछ रहे हैं, तो ये डेफिनेटली डिसीजन आप ही के हाथ में रहेगा। अगर आप लव के बारे में पूछ रहे हैं, लव रिलेटेड पार्टनर हैं ये आपके, तो अगर उनसे हिसाब से आप पूछ रहे हैं, तो आपको वापस इनके साथ रिलेशनशिप रखनी है या नहीं, ये कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है, कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। पर अगर आपको आपके सिर्फ ये कलीग हैं कहीं ना कहीं, एनिमी हैं कहीं ना कहीं, तो फ्रेंड है जिन्होंने कुछ गलतियाँ की हो आपके साथ, जो लव रिलेशन नहीं है, कोई और रिलेशनशिप है, तो मैं कहूँगी कि जस्ट माफ़ कर दीजिए। डिपेंड करता है आपको उनके साथ आगे रिलेशनशिप बनाना है, रिलेशन रिश्ता रखना है या नहीं, पर आई वुड से कि माफ़ कर दीजिए, जो भी है गलती उन्होंने की उसको माफ़ कर दीजिए। आप अभी एक्चुअली मैं कहूँगी कि आपकी माफ़ी जो है उसको रिलीज़ कर दीजिए यूनिवर्स में, उनकी जर्नी में भी सुधार आएगा, उनकी जर्नी भी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये था रीडिंग जिन्होंने टाइगर्स आई का ब्रेसलेट चूज़ किया था। आई होप कि आपको रेजोनेट हुआ हो, अगर रेजोनेट हुआ है, पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है जिस पे मैं जनरल रीडिंग का वीडियो बना सकूं, तो ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं ज़रूर उसके बारे में वीडियो बनाऊंगी। साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वो वीडियो आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। सेकेंड पाइल की तरफ आए हैं हम, सेकेंड ब्रेसलेट, सोडा लाइट ब्रेसलेट जिन्होंने चूज़ किया था। ऑल हेल पॉजिटिविटी टूवर्ड्स यू। ओके, सॉरी आवाज़ के लिए, नेबर्स कुछ कर रहे हैं। देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड आ रहे हैं। हाय प्रीस्टेस, टू ऑफ कप्स, लवर्स, ओके, वर्ल्ड, स्ट्रेंथ, सेवन ऑफ पेंटेकल्स, यस, ओके। तो ये इंसान जो है, इसकी गलती मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि गलती जो शुरू हुई है वो चीज़ें छुपाने से हुई है। हो सकता है कि कुछ बड़ी चीज़ आपसे छुपाई है इस इंसान ने, या फिर हो सकता है कि जो गलती उन्होंने की है उसकी एक्चुअल जो शुरुआत हुई थी वो चीज़ें छुपाने से हुई थी, कहीं ना कहीं कुछ हाइड करने से। हो सकता है इमोशंस या फिर कुछ रिश्ते उन्होंने हाइड किए हों आपसे, तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। अगर आप किसी को वर्कर के बारे में, कलीग के बारे में पूछ रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ बड़ा वर्क प्लेस में कुछ हो जो उन्होंने आपसे छुपाया हो। कहीं ना कहीं कुछ छुपाने से चीज़ें शुरू हुई हैं ये दिखाई देता है। उनका और आपका कनेक्शन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखता है। कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि ये लवर्स के लिए ही पाइल है ज़्यादा करके। अगर आपको वर्क रिलेटेड पूछ रहे हैं, किसी एनिमी के रिलेटेड पूछ रहे हैं तो भी ठीक है, किसी एक्स के रिलेटेड पूछ रहे हैं तो भी ठीक है, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं एक रिश्ता प्यार का दिखाई देता है। दोस्ती भी हो सकती है, दोस्तों के साथ भी हमारा एक तरह का प्यार ही होता है, एक तरह का कनेक्शन ही होता है। तो हो सकता है कि आप
आपका और इनका जो है कनेक्शन बहुत स्ट्रांग दिखाई देता है मुझे, प्यार वाला कनेक्शन दिखाई देता है, गिव एंड टेक का दिखाई देता है। एक टाइम था जब ये आपको बहुत सपोर्ट करते थे, आप उनको बहुत सपोर्ट करते थे, आप एक दूसरे के साथ काफ़ी फिट बैठते थे, यू नो आप जब एक साथ होते थे तो काफ़ी टाइम जल्दी स्पेंड हो जाता था, एक साथ टाइम स्पेंड करना बेसिकली आप बहुत पसंद करते थे, एक साथ घूमना फिरना मज़े करना पार्टियाँ करना टाइम स्पेंड करना एक दूसरे के साथ। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई देती हैं कि आप कहीं ना कहीं करते हैं या फिर करते थे इनके साथ। बहुत प्यारा कनेक्शन है, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, गिव एंड टेक का है, सपोर्ट का है, ये रिश्ता जो है मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि पास्ट जन्म से आपका ये रिश्ता हो, पास्ट लाइफ से आपका ये रिश्ता जो है कायम है, और इस लाइफ में भी उसका जो असर है उसका उसकी जो स्ट्रेंथ है स्ट्रॉन्ग जो उसका एक बॉन्ड है वो मुझे कहीं ना कहीं इस जन्म में भी दिखाई देता है कि है, और उतना स्ट्रॉन्ग है ये रिश्ता। होती है रिश्तों में गलतियाँ, और गलतियों को ये रियलाइज़ भी अगर आप पूछ रहे हैं करेंगे या नहीं, तो मुझे येस का भी कार्ड आया, तो डेफिनेटली ये अपनी गलती को रियलाइज़ तो डेफिनेटली ही करने वाले हैं। कई बार गाइज ऐसा होता है कि हमें कुछ ना चीज़ें कार्मिकली करना हमारी लाइफ में ज़रूरी होता है, कार्मिकली कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में आ जाती हैं, उनका एक्चुअल ऐसा देखा जाए तो मीनिंग नहीं होता है, बट स्टिल हो जाती है हमारे साथ ऐसी चीज़ें। हम कहते हैं कई बार कोइंसिडेंस होता है, या फिर बिना बात के कुछ चीज़ें हो जाती है हमारी लाइफ में, जिसका होने से कोई हम लोगों को कोई इतना समझ नहीं आता है कि क्या रीज़न क्या है इस चीज़ के पीछे, क्यों हुआ ये, ऐसे ही हो जाती हैं चीज़ें। तो ये कहीं ना कहीं ये मिस्टेक जो है आपकी लाइफ में मुझे वैसा दिखाई दे रहा है, ऑन पर्पस किया गया ये मिस्टेक मुझे नहीं नज़र आता है। वो जो जिन्होंने ये मिस्टेक किया है उनको भी शायद हो सकता है कि बाय मिस्टेक ही उन्होंने कर दी हो चीज़ें, और एक्चुअली इरादा कुछ और था और कुछ और ही हो गया, ये भी हो सकता है। ऑल्सो उनको दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं अभी तक समझ नहीं है कि एक्चुअली गलत क्या हुआ। आपको भी हो सकता है कि अभी तक समझ नहीं है कि एक्चुअली ये सब हुआ क्यों, किस लिए हुआ। तो ये जो है उनको ब्लैक क्या है वाइट क्या है, क्यों हुआ किस लिए हुआ, ये सारी चीज़ें उनको समझ में आती हुई मुझे दिखाई देती हैं। आपको और उनको दोनों को सारी चीज़ें रियलाइज़ होती हुई मुझे दिखाई देती हैं आफ्टर सम टाइम। उसको थोड़ा टाइम है अभी, रियलाइज़ तो होंगी कि गलती की है और क्या गलती एग्जैक्टली हुई है, किस चीज़ की वजह से ये सारी रिलेशन जो है ये पूरा डाउनहिल किस वजह से गया है, ये समझ में आ जाएगा उनको भी और आपको भी। अगर आपको पता है देन हो सकता है कि उनको उतनी आइडिया नहीं है, उनको उतना रियलाइजेशन नहीं है उनकी गलती का, पर कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि पर्पसली नहीं किया है, ऐसे ही फ्लो में हो गई है उनसे गलती, तो इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हो सकता है कि एक गलती को एडजस्ट करने के लिए उन्होंने कई सारी गलतियां इसके ऊपर एक 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 करते गए हों, हो सकता है एक गलती छुपाने के लिए या फिर एक गलती को सुधारने के लिए और चीज़ें करते गए, पर वो भी गलत गलत ही होती चली गई हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो रिलेशनशिप कहीं ना कहीं वहाँ से उस वक्त से डाउनहिल ही गया है आपका, और जो भी फिक्स करने के लिए कोई भी आप हो या वो हो कदम उठाते हैं कुछ ना कुछ गलत ही पड़ जाता है। तो उसके लिए उनको जो पहली गलती उन्होंने की थी, जो पहले छुपाया था चीज़ें, उसको क्लियर आउट करना बहुत ज़रूरी है, उसको साफ़ करना, एक नए स्लेट से स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर वो चीज़ें आप कम्युनिकेशन से हो सकता है कि आप लोगों को यू नो प्रॉपरली समझ आ जाए, एक दूसरे के साथ प्रॉपरली बात करें आप, तो हो सकता है कि चीज़ें सॉल्व हो जाए। ऑल्सो टू ऑफ कप्स भी डिबेट का भी कार्ड हो सकता है, हो सकता है कि आप बात करने भी जाते हैं तो झगड़े ही हो जाते हैं, तो ओपिनियन का भी डिफरेंस हो सकता है, उनका कुछ और ही ओपिनियन है, उनको लगता है कि उन्होंने गलती की ही नहीं है और आपको लगता है कि उन्होंने गलती की है, उनको लगता है कि आपने समझने में गलती कर दी है, आपको लगता है कि उन्होंने ही गलती की है और अभी आप पे थोप रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप में मुझे दिखाई देती है। रिलेशनशिप बहुत प्यारा है, कनेक्शन बहुत प्यारा है, डिज़र्व करता है ये कि आप उसमें इफ़र्ट्स डालें इस चीज़ को प्रॉपरली सॉल्व करने में, चाहे वो दोस्ती हो, वर्क प्लेस पर रिश्ता हो या फिर प्यार हो, जो भी हो, इस चीज़ को टाइम देना, ये रिलेशन को टाइम देना बनता है, क्योंकि काफ़ी प्यारे कार्ड्स आए हैं आपके लिए।
इस चीज़ को सुधारने के लिए उनको रियलाइज़ करना उनकी गलती काफ़ी ज़रूरी है, उनको पता चलना, और आपकी भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं गलती हो इस चीज़ में, आपने भी हो सकता है समझने में कहीं ना कहीं गलती कर दी हो उनको, तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करना एक दूसरे से जहाँ पे झगड़े ना होते हों, ऐसे पोजीशन में आके बात करना एक दूसरे के साथ बहुत ज़रूरी है। और कुछ चीज़ें गाइज होती हैं जो कार्मिकली ही हो जाती हैं, तो टाइम दीजिए, सुधर जाएंगी चीज़ें, ठीक हो जाएंगी बातें, जो गाड़ी ऑफ ट्रैक गई है वो ट्रैक पे एक्चुअली आ जाएगी अपने आप ही। तो ये अगर कार्मिकली हुआ है, कुछ कर्मास की वजह से हुआ है, कुछ ऐसे यूनिवर्स ने कुछ चीज़ें सिखाने के लिए अगर आपके लाइफ में ये सारी चीज़ें डाली हैं, तो जस्ट लेट इट बी, लेट गो कर दीजिए फॉर नाउ, रहने दीजिए ऐसी चीज़ें, एंड यूनिवर्स ही उसको फिक्स कर देगा, क्योंकि ये रिलेशन मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग और अच्छा नज़र आ रहा है। ये था रीडिंग जिन्होंने सोडा लाइट ब्रेसलेट चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसा लगा, एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, एन्जॉय। पाइल नंबर 3, हाउ लाइट, देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रहा है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं सवाल, वो रियलाइज करेंगे या नहीं। Five of Wands, Eight of Pentacles, Queen of Wands, Devil, Justice, Hanged Man, Unlikely. Okay, so ये जो इंसान जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, मुझे लगता है कि ये इंसान के साथ आपकी जो, इन्होंने जो आपके साथ गलती की है वो बहुत बड़ी गलती है, माफ़ करने लायक ये गलती नहीं है, ऐसा मुझे कहीं ना कहीं फील हो रहा है। आपको बहुत ठेस पहुंचाई है इस इंसान ने, थोड़ी छोटी मोटी गलती नहीं दिखाई दे रही है, इसकी वजह से जो है ज़िंदगी आपकी चेंज हो गई है, कहीं ना कहीं दिखाई देता है। ऑल्सो आप पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा है इस गलती की वजह से, और मुझे ये नहीं लगता कि ये इंसान की जो ये गलती है ना, इसने अनजाने में की है। मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने अनजाने में की है, इन्होंने जानबूझ के कहीं ना कहीं की है। और मैं जानबूझ के, यानी कि आपको दर्द देने के लिए, दुख देने के लिए जानबूझ के की है इन्होंने, बदला निकालने के लिए की है इन्होंने, ऐसा नहीं कह रही हूँ। पर इनको ये अगर चीज़ वो करेंगे, ये गलती अगर वो करेंगे, तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा, ये इनको कहीं ना कहीं पता था। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बता दे रही हूँ कि अगर आपके आप लव इंटरेस्ट के बारे में पूछ रहे हैं, और उन्होंने अगर थर्ड पार्टी ज़िंदगी में लाई है, तो उनको कहीं ना कहीं पता था कि ये थर्ड पार्टी अगर मैं ज़िंदगी में लाऊंगा तो मेरी ऑलरेडी जो गर्लफ्रेंड है उसको बुरा लगेगा, उसका दिल टूटेगा, उसके साथ रिश्ता कहीं ना कहीं जाकर टूटेगा। तो ऐसी गलती दिखाई दे रही है मुझे कि किसी ने मतलब जानबूझ के, सूझबूझ के की है, उनको पता था कि असर उसका क्या होने वाला है। पर्पज़ली, ऑन पर्पज़ ऐसा नहीं कहूँगी मैं, पर मैं ये ज़रूर कहूँगी कि उनको पता था कि उसका असर क्या होने वाला है, उसका परिणाम क्या होने वाला है, और वो जानते हुए भी उन्होंने वो गलती की है। ओके, तो ये गलती जो होती है वो पूरी एनालाइज़ करके, सारी चीज़ें देख के की है, तो उसको रियलाइज़ भी उनको है, उस गलती का मिस्टेक उन्होंने किया है, ये उनको एहसास है। अभी हमारा नेक्स्ट कंसर्न ये हो जाता है कि क्या वो पछताएंगे उस गलती को लेके, क्या उनको प्रॉब्लम होगा। वो रियलाइज़ तो कर चुके हैं ये गलती है, उनको पता है गलती है, इस पता होते हुए भी उन्होंने किया है ये चीज़, पर रियलाइज़ उनको होगा या नहीं, ये इंसान जो है कहीं ना कहीं इनका इनर कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है। ओके, जो गलती उन्होंने अभी की है, आपको जो दुखाया है उन्होंने, कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि अंदर से इनकी अभी अपने आप से ही लड़ाई शुरू हो गई है कि यार ये करना नहीं चाहिए था, ऐसा क्यों किया। फिर एक मन जो है उनका बोलता है कि यार ये ठीक है, हो गया तो क्या हो गया, इतना तो रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी, और दूसरा मन जो है उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें बताता रहता है कि ये तूने जो किया है ये गलत किया है, ये करने की ज़रूरत नहीं थी, ये जो है ये जानबूझ के किया है तूने, उसको उसका दिल दुखाया तूने। तो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं इनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अंदर ही अंदर इनका खुद से ही युद्ध चल रहा है, मैं कहूँगी। ऑल्सो
ये अपने आप को भी काफ़ी टाइम ऐसा लाइफ में आता है कि अपने आप को ही अनजाने में सज़ा दे देते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें खुद ही कर देते हैं अपनी लाइफ में जो करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, और फिर पछताते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें अपनी अभी उनकी लाइफ में होना शुरू हो गया है, और ये चीज़ें उसी वक्त होता है ना, मतलब गिल्ट जो होता है ना दिल में, वो मुझे दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ये इंसान ऐसा भी इंसान है गाइज, मैं ये भी कहूँगी कि ये एडमिट नहीं करेंगे, ये सामने आके आपको नहीं बोलेंगे कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे, पर वो अपना सबकॉन्शियस को एक्चुअली पता होता है कि हमने क्या किया है। यू नो, अपने अंदर के दिल को, अपने दिल को एक्चुअली कहीं ना कहीं किसी कोने में हमें पता होता है कि हमने गलत किया है। ओके, और किसी को हमने दुखाया है, किसी को हमने ठगा है, तो वो अंदर जो फीलिंग होती है ना, वो कभी ये इंसान जो ये बाहर आने नहीं देता है, पर वो पर्सनालिटी जो है उनकी, वो कभी कभी बाहर आके ऐसी चीज़ें कर देती हैं जिसकी वजह से उनको पछताना पड़ता है, जिसकी वजह से वो खुद को बहुत सेल्फ सबोटाज जो कहते हैं ना, वो बहुत कर रहे हैं, खुद को ही अनजाने में अपने आप को ही सेबोटाज किए जा रहे हैं, अपनी ही सारी चीज़ों को गलत किए जा रहे हैं। ऑल्सो, अगर इनकी लाइफ में फ़िलहाल कोई लड़की है, अभी अगर ये लड़की के बारे में ही आप पूछ रहे थे, आपके पार्टनर जो है या फिर आपके आपको जिन्होंने गलती की है आपकी लाइफ में, जो वो अगर फीमेल है तो भी ये लागू पड़ता है। उनकी कोई दोस्त हो सकती है, उनकी माँ हो सकती है, उनकी बड़ी बहन छोटी बहन हो सकती है, बेस्ट फ्रेंड्स होती हैं लड़कियों को, वो लड़कों को भी होती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पर बेस्ट फ्रेंड हो सकती है। और अगर ये मेल है तो हो अगेन ज़्यादा होराइजन्स बढ़ते हैं, थर्ड पार्टी उनकी लाइफ में लड़की कोई हो सकती है, हो सकता है कि गर्लफ्रेंड हो नहीं कोई, या फिर एक्स लवर हो कोई, अगेन माँ बहन बेस्ट फ्रेंड, ये भी सारी चीज़ें उनको भी लागू पड़ती हैं। तो ऐसी कोई औरत मुझे दिखाई दे रही है जो इनको ये गलती जो है उसका रियलाइजेशन देगी। ओके, ये औरत जो उनकी लाइफ में है, जो उन्होंने आपके साथ किया है वैसा ही ये औरत उनके साथ करेगी। ओके, अगेन मैं कह रही हूँ, अगर आपकी आप जिनके बारे में ये सवाल पूछ रहे हैं वो फीमेल भी हो तो भी हो सकता है, उनकी माँ बहन हो सकता है, या फिर बाय चांस किसी किसी के लिए वो हो सकता है कि वो लड़का भी हो जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, लड़का उनको दुख पहुँचाएगा, लड़का अगेन हो सकता है, विथ लॉट ऑफ फेमिनाइन एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे, दैट्स वाई आई सेड लड़की, लड़का भी हो सकता है, जनरल रीडिंग है, तो जस्ट बी ओपन, और जो भी आपके लिए रेजोनेट हो रहा है वो उठा लीजिए। तो ऐसा कोई इंसान मुझे दिखाई देता है उनकी लाइफ में आके, ऐसी कोई औरत दिखाई दे रही है स्पेसिफिकली आके उनको सबक सिखाएगी जो उन्होंने किया है उस चीज़ का, जो हो सकता है उन्होंने आपके साथ किया है वो उनके साथ करके वो चले जाएंगे। और फिर जस्टिस का कार्ड आया है, जो उनके लिए जो आपके साथ उन्होंने किया था उसकी सज़ा उनको उनके साथ भी वैसा ही चीज़ होके मिलेगी, ये दिखाई देता है। अगर आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि उनको उनका उनकी गलती मिल जाए, उनकी गलती का पछतावा हो, तो वो भी हो सकता है उसके लिए भी ये कार्ड आया हो। अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ कर रहे हैं, उनको उनकी गलती समझ में आ जाए, वो आपसे आके माफ़ी मांगे, तो हो सकता है वो भी वर्क कर रहा है, उसके लिए कार्ड आ रहा हो। ऑल्सो गाइज, आप उनको जो गलती रियलाइज़ तो हो जाएगी कहीं ना कहीं, कभी ना कभी तो होनी है, पर अब भी फ़िलहाल के लिए अनलाइकली का कार्ड आया है, सो थोड़ा टाइम देना पड़ेगा आपको इन सारी चीज़ों के लिए, थोड़ा टाइम आपको जाने देना होगा, थोड़ा एडजस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे। ऑल्सो वो जो थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, जो औरत है, वो आके उनको सबक देगी, वो उनको रियलाइज़ करेगी, तो उसका मुझे आपकी लाइफ पर कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। तो आपका हीलिंग जो है, आपका जो लाइफ आपको ऑफ ट्रैक गया है, वो अभी आपको ही खुद लाना है। वो गलती माने अपनी या नहीं माने, उनको रियलाइज़ हो या ना हो, उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है लाइफ में। अगर वो मानेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, नहीं मानेंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपकी जर्नी, उनकी जर्नी मुझे बहुत अलग नज़र आ रही है, बहुत डिफरेंट नज़र आ रही है। सो आप अपने बारे में फ़िलहाल सोचिए, अपने आप को बैलेंस करना सीखिए, अपने आप को हील कीजिए, एंड अपने आप पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए। आप कैसे मूव ऑन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों से, आप कैसे अपनी लाइफ बेटर बना सकते हैं, उसके बारे में सोचिए। आपको कोई उनकी लाइफ से, उनकी लाइफ में जो हो रहा है उसकी वजह से आपको कोई फ़र्क पड़ता हुआ मुझे नज़र नहीं आता। अगर उनको रियलाइज़ हो जाए तो डेफ़िनेटली आपको एक खुशी मिलेगी कि हाँ यार रियलाइज़ हो गया उसको, पर खुशी से ज़्यादा मुझे कोई चीज़ आपकी लाइफ में बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। ओके, सो ये रीडिंग था जिन्होंने हाउ लाइट का ब्रेसलेट चूज़ किया था। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आया हो, अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करना,
नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, रेजोनेट हुआ या नहीं। अगर आपके पास कोई सजेशंस है वीडियो के लिए जिस पे मैं जनरल रीडिंग का वीडियो बना सकूं, तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए, मैं ज़रूर उस पे वीडियो बनाऊंगी। साथ ही गाइस सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहती हूँ। एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। Thank you so much for watching this video, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy. Hematite bracelet, fourth pile जिन्होंने choose की थी, देखते हैं आपके लिए क्या reading आ रहा है. Such a stunning bracelet, मेरा सबसे favorite है ये. So देखते हैं आपके लिए क्या reading आ रही है. आपके आपने जिसके बारे में पूछा है वो realize करेंगे या नहीं mistake, देखते हैं अपनी. Knight of Swords, Empress, Page of Swords, Three of Swords, okay, Ten of Swords, Swords, oh my God, King of Swords and let go. Swords काफ़ी सारे cards हैं, Gemini, Libra या फिर Aquarius, Gemini, Libra या फिर Aquarius हो सकते हैं, नहीं है तो it's completely fine, no issue at all, okay, पर अगर है तो again a lot of Swords cards, lot of earth, air energy दिखाई दे रही है. सो उसमें से हो सकता है आपकी सनसाइन उनकी या फिर आपकी सनसाइन मून साइन या फिर स्टार साइन हो सकती है, जेमिनी, लिब्रा या एक्वेरियस में से कोई एक. नहीं है तो भी इट्स ओके, आपने ये पाइल चूज़ की है आपके लिए है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ज़्यादा मत सोचिए इन चीज़ों के बारे में, ओके. फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है मुझे, आपके पार्टनर जो है, सॉरी पार्टनर नहीं जिनके बारे में आपने सवाल पूछा है, काफ़ी लव रीडिंग्स करती हूँ तो पार्टनर ही आ रहा है मुँह में, ओके. सो जिनके बारे में आपने ये सवाल पूछा है दिखाई देता है काफ़ी स्टब्बन है, काफ़ी ज़िद्दी हैं, अपना पॉइंट रखना ही है. अगर मिस्टेक भी उन्होंने ये की है, उनको रियलाइजेशन भी हो भी गया है, उनको रियलाइजेशन कबूल नहीं करेंगे, वो मानेंगे नहीं, सॉरी नहीं कहेंगे आके. आपको उनकी तरह से झुक के जाना पड़ेगा, आपको बोलना पड़ेगा कि यार ठीक है तूने गलती कर दी, फिर भी ठीक है, मुझे एक्सेप्टेड है, चलेगा. वो आके नहीं कहेंगे कि यार मैंने गलती की, मुझे माफ़ कर दे, मुझे पता है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, ये इंसान मुझे ऐसा नहीं नज़र आता है, ओके. ये कहीं ना कहीं अपना ग्राउंड रखेंगे, अपना जो है सारी चीज़ें, अपना अपनी अकड़ जो है उसको रखेंगे. सॉरी कैमरा शिफ्ट करना किया मैंने थोड़ा, ओके. अपनी अकड़ जो है कहीं ना कहीं वो बनाए रखेंगे, बिल्कुल भी हटेंगे नहीं अपनी ज़िद से. ये ऐसे इंसान मुझे कहीं ना कहीं दिखाई देते हैं, बहुत डिल्यूटेड है, बहुत डिल्यूटेड है कहूँगी मैं. ये इंसान को सही क्या है गलत क्या है समझने में इतना टाइम लगता है. एक्चुअली भी इंसान ये ऐसा है कहूँगी कि इनकी बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, करते तो ऐसी बातें हैं जैसे दुनिया सारा संसार का पानी पिए हुए हैं, सब जानते हैं, सब कुछ पता है इनको, हर चीज़ जो दुनिया में होती है उसका नॉलेज है इनको, इनको सारी चीज़ें पता है, बट एक्चुअल में देखा जाए तो इनको कुछ भी पता नहीं है, इनको ज़ीरो नॉलेज है. इनको सही क्या है गलत क्या है का डिफरेंस पता नहीं, सच कौन बोल रहा है झूठ कौन बोल रहा है उसका कोई पता नहीं. समझते तो अपने आप को बहुत बड़े हैं ये, जैसे कि किसी गाँव के सरपंच ही है, पर उतनी उनकी है ही नहीं दिमाग की क्षमता, ओके. बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते कहते हैं ना वैसा है, सारी बातें तो बड़ी बड़ी हवा में सारी गोलियां मारेंगे पर पता उनको कुछ भी नहीं है, समझ उनको कुछ भी नहीं आता है, ओके. तो कहीं ना कहीं ऐसे इंसान दिखाई देते हैं, खुद को पहले सबसे पहली प्रायोरिटी रखते हैं ये दिखाई देता है, विच इज़ नॉट रॉन्ग, गलत नहीं है बिल्कुल भी. पर अगर आप रिश्ते में हो किसी के साथ कमिटेड हो तो उसको अपना टाइम देना, उसको भी प्रायोरिटी देना ज़रूरी है. पर सेल्फ़ लव है दिखाई देता है, खुद ही अपनी प्रायोरिटी है दिखाई देता है, अपने आप में ही मग्न रहते हैं दिखाई देता है, अपने आप को सबसे पहले रखेंगे. अगर इनको कोई मतलब आप तो उठा के सपोज़ 5,000 रुपये दे दो तो 5,000 की पहले खुद के लिए शॉपिंग करेंगे, फिर बाद में दूसरों के बारे में सोचेंगे. एटलीस्ट वो 3,500 अपने आप पे स्पेंड करेंगे, फिर बाद में फैमिली, फिर बाद में लवर, फिर बाद में सारी चीज़ें. तो अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए, अपने आप को बहुत ज़्यादा केयर करते हुए अपने आप की दिखाई देते हैं, विच इज़ नॉट रॉन्ग, बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं है ये. मैं तो कहूँगी आप भी करो, सभी को करनी चाहिए, बट ये पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है, दैट्स वाई मैं कह रही हूँ.
अगेन सजने संवरने में हो सकता है, शॉपिंग में हो सकता है, अपनी अपनी हेल्थ का ख्याल रखते हैं, अपना ख्याल रखते हैं। अगर कोई लड़की है, लड़के भी आजकल कराते हैं मैनीक्योर पेडीक्योर फेशियल, ये वो सब, सलून जाना, ये जाना, वहाँ जाना, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा करते हुए, अपनी ख्याल अपना ख्याल रखते हुए कहीं ना कहीं लैविश लाइफ जीते हुए मुझे दिखाई देता है। ऐसा भी हो सकता है कि खुद कमाते तो ज़्यादा नहीं है पर स्पेंड ज़्यादा करना होता है, ये भी कहीं ना कहीं इसका बिहेवियर दिखाई इनका बिहेवियर दिखाई दे रहा है। तो ऐसा इंसान जो होता है, जो अपने में मग्न होता है, जो अपने में खुश रहता है, अपनी अपने आप को प्रायोरिटी रखता है, उसको दूसरों के लिए हमने कुछ गलती की है ये रियलाइज़ करने के लिए बहुत टाइम लगता है गाइज़, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे इंसान को, क्योंकि अपने से हटकर ये इंसान कभी सोचता ही नहीं ना किसी और के बारे में, इतनी इतना थॉट्स वो किसी और के बारे में वेस्ट करता ही नहीं है। तो उस इंसान को समझने के लिए, उस इंसान को अपनी गलती रियलाइज़ करने के लिए भी औरों से ज़्यादा टाइम लगता है। अब बाकी जो लोग होते हैं अपनी छोड़कर बाकी सबकी फीलिंग्स के बारे में केयर करते हैं, तो ऐसे लोगों को ना रियलाइज़ करने के लिए बहुत टाइम नहीं लगता है। ऐसे लोग समझ जाते हैं कि यार हाँ मैंने ये जो किया है इसकी वजह से इस इंसान को बहुत दुख पहुँचा होगा, पर ये इंसान जो है ये अपने बारे में ही सोचता है, तो इसको रियलाइज़ करने के लिए भी काफ़ी टाइम लगेगा। अपनी गलती करेंगे ज़रूर, करेंगे ज़रूर, ये मैं कह रही हूँ आपको, पर बहुत टाइम लगेगा। ओके, करनी तो है ही पर बहुत टाइम लगेगा। जब करेंगे अपनी गलती, और कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ, कोई ऐसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आएगा जिनको ये प्रायोरिटी आफ्टर सम टाइम देने लगेंगे। हो सकता है इनके फ्रेंड हो, कोई लव इंटरेस्ट इनके लाइफ में आ जाए, कोई मम्मी डैडी हो सकता है, बहन भाई हो सकता है, किसी को ना एक्चुअली दिल में जगा देंगे, बहुत प्रायोरिटी मानेंगे किसी को, किसी के ऊपर जो आज तक नहीं किया ना उतना खर्चा करना, उतना प्यार प्यार का वर्षाव करना कहते हैं ना, प्यार पूरा आ जाता है किसी पे, ऐसे इन्वेस्ट अपना प्यार करेंगे, अपना दिल इन्वेस्ट करेंगे, और वो इंसान जो है ये मुझे दिल तोड़ के जाता हुआ इनका नज़र आ रहा है, जो आपके साथ इन्होंने दिल आपका जो तोड़ा है और उनको रियलाइज़ ही नहीं हुआ है ये चीज़ अभी तक, वैसा मुझे उनका दिल कोई तोड़ के जाएगा। पर जब दिल टूटेगा उनका खुद का, तभी उनको रियलाइज़ होगा कि आज तक कितने लोगों के दिल तोड़े हैं, कितने लोगों को बुरा यू नो बुरा फील कराया है, ये सारी चीज़ें कितने लोगों को बैक स्टैप किया है। ये इंसान जो उनकी लाइफ में आएगा ये ऐसे ही दिल तोड़ के नहीं जाएगा, पीछे खंजर खोप के जाएगा पीठ में, ये दिखाई देता है। और ये इंसान जो है अपने जिनके बारे में पूछा है काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करने लगेंगे उस इंसान को, काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे फाइनेंशियली इमोशनली मेंटली इन्वेस्ट करेंगे इस इंसान में, और फिर ये पीठ में छुरा खोप के निकल जाएगा ये इंसान, और तभी ये सारी जो अकड़ है, ये सारी जो मस्ती है उनके शरीर में, वो सारी निकलती हुई मुझे नज़र आ रही है। और ये इंसान जो उनकी लाइफ में आएगा ना, वो खुद ही लेके आएंगे इस इंसान को, खुद ही सर पे बिठाएंगे अपने, और फिर वो खुद ही सिर उनका गंदा करके निकल जाएगा। आई वॉन्ट टू से समथिंग बट मैं खुद को कंट्रोल कर रही हूँ, आई होप आपको वो मेरी फीलिंग्स पता चली होगी कि हम किसी को सिर पे बिठा लेते हैं और फिर उधर ही गंदा करके सिर पूरा निकल जाते हैं लोग, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ये इंसान के लिए मैसेज जो आपके लिए क्या करना है वो आ रहा है, वो है लेट गो। ये इंसान जो है अपने आप को जो प्रायोरिटी देते हैं, सिर्फ अपने आप में मगन रहते हैं, ऐसे इंसान के लिए आप ज़्यादा अपना दिमाग जो है इन्वेस्ट करके भी, अपनी थॉट्स इन्वेस्ट करके भी करोगे क्या? तो एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि लेट गो कर दीजिए, जाने दीजिए इनको। जब रियलाइज़ होगा ना गाइज ये सारी चीज़ें कि आपका दिल तोड़ा, आपसे गलत बिहेव किया, गलती की, इनको जब तक ये रियलाइज़ होगा, जब महसूस होगा उनको, बहुत लेट हो गया होगा। ओके, बहुत लेट हो गया होगा। आप मूव ऑन कर चुके होंगे, आप हील कर चुके होंगे, आप स्टेबल हो गए होंगे, आपने अपनी लाइफ नए सिरे से शुरू कर दी होगी, तो आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि ये माफ़ी अभी मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे, उनको रियलाइज़ हुआ है या नहीं हुआ है। सो ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है फॉर नाउ। तो इसीलिए शायद फॉर नाउ यूनिवर्स से आपके लिए, एंजल्स की तरफ से आपके लिए यही मैसेज आ रहा है कि लेट गो कर दो। इस बंदे पर टाइम वेस्ट करना या फिर इस बंदी पर टाइम वेस्ट करने में कोई मतलब नहीं है। अपने आप को हील करना चालू करो, अपने आप को मूव ऑन करने के लिए हेल्प करो, स्टेबल रहो अपने आप में ही। हो सकता है आपने उसके लिए मेजर्स भी लेना स्टार्ट कर दिया हो, आपने शुरू कर दिया हो अपने आप को हील करना, ये भी हो सकता है। सो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए यही मैसेज है कि ये सारे जो दर्द है, ये सारे जो फीलिंग्स है, जाने दो, उसकी लाइफ है उसको देखने दो, आप अपनी लाइफ लेट गो करो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो।
सो ये था रीडिंग जिन्होंने हेमेटाइट का ब्रेसलेट चूज़ किया था, पाइल नंबर 4 चूज़ किया था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, नीचे कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप रेजोनेट हुए या नहीं। साथ ही गाइज आपके पास कोई वीडियो सजेशंस है जिस पे मैं जनरल रीडिंग का वीडियो बना सकूं, उस पे ज़रूर अगर आपके पास कोई है ऐसा वीडियो, ऐसा टॉपिक है तो ज़रूर शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में जाके। साथ ही गाइज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मैं ऐसे वीडियोस बनाती रहती हूँ, एंड बेल आइकॉन को भी प्रेस कीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसको आपको नोटिफिकेशन मिल जाए एंड आप उसको मिस आउट ना कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय।